अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी के समन्स के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट गए। ईडी ने अपनी पूरी वकीलों की एक लंबी सी लाइन खड़ी कर दी, देश के सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि किस आधार पे आप समन्स भेज रहे हैं। कोर्ट ने उनसे बार बार पूछा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं और आखिरकार कोर्ट ने ईडी को बोला कि अगर कोई कागज हैं तो कागज दिखाओ, तभी मैं इस एप्लीकेशन को डिसमिस करूंगा। ईडी कागज भी लेकर आई, हियरिंग से अपने कमरे के अंदर जाके दोनों जजों ने ईडी के कागज भी देखे और ईडी के कागज देखने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस करने से मना कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशन को होल्ड किया और उन्होंने इस इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन पर ईडी को नोटिस दिया और 22 अप्रैल की तारीख दी। आज मैं ईडी से ये पूछना चाहती हूं, ईडी जो भारतीय जनता पार्टी का आज एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है, कि ये तो बताइए कि आपकी सैकड़ों रेड के बाद आज आप जो समन पे समन भेज रहे हैं, ये तो आप बताइए कि आपको कितने पैसे मिले, अभी तक कितना पैसा रिकवर हुआ। मैं आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो खुल के हमसे राजनीतिक मुकाबला करिए, जमीन पर उतरिए, दिल्ली की सड़कों पे उतरिए, पंजाब की सड़कों पर उतरिए, हमारे खिलाफ कैंपेन कीजिए और हमें चुनाव में हराइए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की कोशिश मत करिए।